आज हम आपको बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, प्रतिशत पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। फार्मूले टू इवैल्यूएट इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ परसेंट आर एस फॉलो। आर एस फॉलोज, इसमें पहला प्रतिशत है तो दो ही चीज होगा, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो पहला वृद्धि वाला देखते हैं, इंक्रीज इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और इस सब का प्रतिशत परसेंट। तो यह पहला फार्मूला था। और दूसरा है डिक्रीज 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 प्रतिशत इक्वल टू डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 परसेंट। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आर परसेंटेज में दो ही फार्मूले हैं। पहला है, इसमें दो ही चीज होती है, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो अगर वृद्धि होगी इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज ओरिजिनल वैल्यू वृद्धि और वास्तविक कीमत गुणे 100 और इन सब का प्रतिशत। डिक्रीज कमी होगी तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज जो कमी रहेगी वह कमी लिखेंगे, फिर ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे वास्तविक कीमत गुणे 100 और इन सब का प्रतिशत। तो यह थे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज में दो फार्मूला। अब इन फार्मूलों पर आधारित कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए मैन स्पेंड ए मैन स्पेंड आर एस 3500 पर मंथ and save 12 सही 1/2 प्रतिशत of his income what is his monthly income। एक व्यक्ति जो है वह 3500 रुपया खर्च करता है, वह प्रत्येक महीने में 3500 रुपया खर्च करता है और 12.5% जो है अपनी आय का वह प्रत्येक मंथ
सेव करता है, बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक आय क्या है? प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो है वह 3500 रुपया महीना खर्च करता है और अपनी आय का जो उसकी पूरी इनकम है, उस मंथली इनकम है, उस आय का 12.5% सेव करता है, बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की मंथली इनकम क्या है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देख, सपोज दैट मानेंगे कि उस व्यक्ति की मंथली आय एक्स है, सपोज हिज मंथली इनकम, सपोज हिज मंथली इनकम इज RS, हमने माना उस व्यक्ति की जो मंथली इनकम है ₹100 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 12.5% जो है वह बचाता है और कितना खर्च करता है। जब 12.5% बचा रहा है तो पूरा आय 100% होगा, और 100 में से जब हम 12.5% घटाएंगे, 100 माइनस 12.5, जो पूरा मंथली इनकम है उसको हम 100% मान लेंगे, तो 100 में से 12.5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 87.5%। या 100% में से 12.5% घटा देंगे तो हमारा 87.5% आएगा। अब यह जो 87.5% है यह 3500 रुपए के बराबर है, क्योंकि वह 3500 रुपया खर्च कर रहा है। तो 3500 खर्च किया अर्थात 100 में से घटाए, 12.5% बचा रहा है, तो 100% में से हमने 12.5 घटा दिया, तो यह 12.5% घटाया, यह उसकी बचत है और यह खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब यह 87.5% 3500 रुपए के बराबर है। इसको यहाँ से हम मिटा रहे हैं। अब करेंगे 87.5% ऑफ एक्स, हमने एक्स माना है, तो 87.5% एक्स का 87.5% किसके बराबर है? 3500 रुपए के बराबर है। एक्स का 87.5% 3500 रुपए के बराबर है। या इसको अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 87 दूना 174 अपान बटे 2 गुड़े, अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, ऑफ है गुड़े फिर एक्स बराबर 3500। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। या बराबर 3500 या 3500 ऊपर चला जाएगा, गुणे 2 गुणे 100 बटे 175 गुणे 175। यहां से सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 कर देंगे, इसके बटे भी 1 कर देंगे, क्योंकि इसका हर नहीं है 1, इसके बटे 1 करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। और यहां से हम इसका क्रिया गुणा करेंगे और इस तरह से कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर इतना, और सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा x बराबर 4000 रुपया, x बराबर 4000 रुपया, अर्थात उसकी मंथली इनकम हमने एक्स माना था, उसकी मंथली इनकम हमने एक्स माना था, तो उसकी मंथली इनकम आ गई 4000 रुपया। अब देखेंगे उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर 4000 रुपए का हम 87.5% करेंगे तो हमें 3500 आना चाहिए, और 12.5% करेंगे तो 4000
4000 रुपए का हमने 87% किया, 87.5%। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3500 और यह उत्तर सही है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 23040 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो यह एग्जांपल नंबर 2 कि 96% किसी गांव की जनसंख्या 96% है और 96% में 23040 व्यक्ति हैं, तो उस गांव की टोटल जनसंख्या क्या है। तो टोटल जनसंख्या 100% होती है और 100% में यह 96% दिया है, अर्थात हमें 4% जनसंख्या और ज्ञात करनी है। 96% में 23040 व्यक्ति हैं, तो 4% में कितने व्यक्ति होंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट, सपोज टोटल पॉपुलेशन, सपोज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज is x। तो 96% दिया है, तो 96% ऑफ x हमने x माना, तो x का 96% इतना दिया है, तो 96% ऑफ x, x का 96% 23040 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर 23040 गुणे 100 बटे 96। यहाँ इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 96 गुणे 1/100 गुणे x बराबर 23040। और यहाँ पर x का मान आ जाएगा 24000। जब इसको काटेंगे तो इसका मान आएगा 24000 और पूरे गांव की जनसंख्या 24000 है। तो यह था हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम। फिर इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।